हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, प्राइमरी इंजेक्शन पीआई टेस्टिंग के बारे में इन डिटेल आज की वीडियो में समझ लेंगे फ्रेंड्स। इसकी पहले एक वीडियो हमने बनाया फ्रेंड्स करंट ट्रांसफार्मर टेस्टिंग में, उसमें हम लोग प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट को ब्रीफली हमने डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे प्राइमरी इंजेक्शन टेस्टिंग के बारे में। सो प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट हम इंडस्ट्रीज में करता क्यों है फ्रेंड्स? सबसे पहले हम लोग प्राइमरी इंजेक्शन का जो पर्पज़ है फ्रेंड्स, वो हमारा करंट ट्रांसफार्मर जो हमारा सीटी का, इसका रेशियो टेस्ट करने के लिए हम लोग प्राइमरी इंजेक्शन करते हैं। जो हमारा सीटी का जो रेशियो दिया जाते हैं, लाइक हमारा 400/5 एम्पीयर का सीटी है, वो रेशियो सही है नहीं है। मतलब आपको फॉर एग्जांपल 500/5 एम्पीयर का सीटी है तो आपको 100 एम्पीयर में 1 एम्पीयर आना चाहिए, 200 एम्पीयर में 2 एम्पीयर आना चाहिए, 300 एम्पीयर में 3 एम्पीयर आना चाहिए, 400 एम्पीयर में 4 एम्पीयर आना चाहिए, 500 एम्पीयर में 5 एम्पीयर आना चाहिए। वो इसका रेशियो है फ्रेंड्स, थियोरेटिकल जो आपका रेशियो के हिसाब से जो दिख रहे हैं, ऐसे प्रोपोर्शनली आपको आ रही नहीं है। वो आपको सीटी को चेक करने के लिए, करंट ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए ये टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हमारा सीटी का और इसका जो सेकेंडरी सर्क्यूट का इंटीग्रिटी चेक करने के लिए, इसका सर्क्यूट अगर कनेक्शन सही है नहीं है, सीटी का सेकेंडरी सर्क्यूट बहुत वैश सर्क्यूट हो सकते हैं, जैसे मेटरिंग सर्क्यूट है, या नहीं तो प्रोडक्शन सर्किट में भी मल्टीपल रिलेस को उसी सीटी का सेकेंडरी सर्क्यूट से ही कनेक्ट हुआ होते हैं। सो सीटी का सेकेंडरी सर्किट थोड़ा वैस्ट और लंबा सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट हो सकते हैं, उस सर्क्यूट का इंटीग्रिटी सही है नहीं है और उस सर्क्यूट का कनेक्शन सारे सही है नहीं है, वो देखने के लिए भी आपको प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट को एक तरीका जैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और आपका जो रिलेस है, जो सीटी का जो मेन पर्पज़ है करंट ट्रांसफार्मर का, हमको प्रोपोर्शनली करंट कम करके रिले का जो सूटेबल रेंज में इसको करंट देने के लिए। सो आपको जो सीटी का सेकेंडरी सर्क्यूट में आपको जनरली रिलेस कनेक्ट होते हैं, या नहीं तो मीटर्स या ट्रांसड्यूसर्स या इंडिकेशंस जैसे कनेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, रिकॉर्डर जैसे, सो उसको चेक करने के लिए भी आपको प्राइमरी इंजेक्शन को एक टूल जैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो सेकेंडरी जो प्राइमरी इंजेक्शन में आपको रिले का टेस्टिंग भी हो जाता है, और अगर आपको सीटी का सेकेंडरी में आपको कोई भी मीटर्स या लोकल मीटर्स या नहीं तो रिमोट मीटर्स जितना भी कनेक्टेड है, वो सारे के सारे हेल्दीनेस भी आपको प्राइमरी इंजेक्शन का थ्रू आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो प्राइमरी इंजेक्शन में वन गो में, प्राइमरी इंजेक्शन को इनफैक्ट लोग बोलते हैं फ्रेंड्स सिंगल थ्रो, एक ही गो में आपको सारे के सारे चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। आप सीटी को भी चेक कर सकते हैं, सीटी का सेकेंडरी सर्क्यूट का इंटीग्रिटी भी चेक कर सकते हैं, सीटी का सेकेंडरी सर्क्यूट में जितना भी लोड्स है, जैसे रिलेस है या मीटर्स है, ये सारे के सारे चीज़ को आप देख सकते हैं। और मीटरिंग में भी आपको जितना भी आपका लोकल मीटर्स है, या नहीं तो फील्ड में जो कनेक्टेड है, या नहीं तो डीसीएस में जो कनेक्टेड है, वो सारे के सारे चीज़ को वन गो में आप चेक कर सकते हैं प्राइमरी इंजेक्शन में। इसीलिए लोग बोलते हैं प्राइमरी इंजेक्शन को फुल फ्लेज्ड टेस्टिंग मेथड है, उसमें आपको सारे के सारे वन गो में आपको चेक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो प्राइमरी इंजेक्शन में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? प्राइमरी इंजेक्शन में आपको सबसे पहले आपको एक प्राइमरी इंजेक्शन का किट का चाहिए, वो किट कैसे होते हैं और इसका क्या फीचर्स रहते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्राइमरी इंजेक्शन के लिए हमको केबल चाहिए और इसका कनेक्शन, केबल कनेक्शन करने के लिए हमको लीड चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। सो प्राइमरी इंजेक्शन में आपको सबसे पहले आपको लीड्स यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, आपको क्रोकोडाइल क्लिप्स जैसे यूज़ करते हैं। सो बेसिकली हम लोग प्राइमरी इंजेक्शन के बारे में पहले हम देख लेंगे फ्रेंड्स। प्राइमरी इंजेक्शन का आप देखेगा तो ये हमारा प्राइमरी इंजेक्शन का, ये हमारा सी टी है फ्रेंड्स। P1 P2 है इसका प्राइमरी टर्मिनल्स है, S1 S2 हमारा सेकेंडरी टर्मिनल्स है। और हमारा प्राइमरी इंजेक्शन में हम लोग करते क्या है फ्रेंड्स, हमारा जैसे ये हमारा विंडो टाइप सी टी है, इसमें हम लोग प्राइमरी जो करंट है, इसमें हम करंट देते हैं प्राइमरी सर्क्यूट में, इसका बस बार में हम लोग करंट देते हैं, और सेकेंडरी में जितना भी हमारा लोड है उसमें हम देखते हैं प्रोपोर्शनली आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। इसके थ्रू आपको सीटी का रेशियो चेक भी हो जाएगा, और इसका जो सेकेंडरी में जितना भी लोड से वो भी चेक हो जाएगा, और इसका जो सीटी का सेकेंडरी सर्क्यूट का इंटीग्रिटी भी चेक हो जाएगा फ्रेंड्स वन गो में, ठीक है। इसीलिए हमने इसको फुल फ्लेज्ड मेथड भी बोलते हैं। तो आपको पहले जैसे बताया फ्रेंड्स सीटी का, इसका जो प्राइमरी इंजेक्शन के लिए हमको क्या क्या चाहिए, आपको हमको प्राइमरी इंजेक्शन का किट का चाहिए, जो सोर्स है वो आपको करंट इंजेक्शन कर सकते हैं, और इसके बाद हमको केबल चाहिए सोर्स टू हमारा किट टू ये बस बार में कनेक्ट करने के लिए, और इसके बाद बस बार में आपको कनेक्ट करने के लिए आपको क्लैंप या नहीं है तो कनेक्टर चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है।
तो यही हम देखेंगे। तो प्राइमरी कनेक्शन के लिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग क्रोकोडाइल क्लिप्स यूज़ करते हैं, इसको हम क्रोकोडाइल बोलते हैं। इसको आप इसको प्रेस करके इसका बस बार में लगा देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आपको इसका लिमिटेशन है फ्रेंड्स, ये आपको अप टू 100 एम्पियर तक ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन है आपको बहुत ही रिजिड और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, उसमें आपको कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा रहते हैं, उसकी वजह से आपको 100 एम्पियर का ऊपर आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही गर्म हो जाते हैं। और आपको ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए भी इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 100 to 250 एम्पियर तक का आसपास आपको यूज़ करने हैं तो आपको ऐसा क्लैंप टाइप यूज़ करना है फ्रेंड्स। इसमें आपको बस बार में ये लगा के इसको टाइट कर देते हैं क्लैंप में, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपको कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कम रहेगा और इसका थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अप टू 250 एम्पियर के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन 250 एम्पियर का ऊपर यूज़ करना है तो आपको सिंपल नट बोल्ट का थ्रू यूज़ करने हैं फ्रेंड्स। जैसे आपको ये केबल है, आपको प्राइमरी इंजेक्शन का केबल ऐसे रहते हैं फ्रेंड्स, ये प्राइमरी इंजेक्शन का केबल को जो बस बार में होल देकर इसका नट बोल्ट का थ्रू इसको कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा। और जैसे हमारा पावर केबल कनेक्शन होते हैं ऐसे ही इसको कनेक्ट करा के हम लोग इसको आपको 1000-1500 एम्पियर तक आप इसको चाहिए तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी आपको 250 एम्पियर का ऊपर कभी भी करंट है तो आपको इसमें नट बोल्ट का यही प्रेफर करते हैं फ्रेंड्स। अप टू 100 to 250 एम्पियर में आपको क्लैंप टाइप कनेक्शन यूज़ करते हैं और बिलो 100 एम्पियर में आपको क्रोकोडाइल क्लिप कनेक्शन यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो कोई भी कनेक्शन में जो हमको लीड यूज़ करते हैं वो लीड यही है फ्रेंड्स। ये लीड को आप जैसे इसमें यूज़ कनेक्ट करते हैं, या नहीं तो इसमें आपको लीड जो दिख रहा है फ्रेंड्स नट बोल्ट का थ्रू कनेक्ट किया था, ये लीड है, या नहीं तो डायरेक्टली बस बार का साथ आपको नट बोल्ट का थ्रू भी इसको कनेक्ट करा सकते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा प्राइमरी में हम लोग कनेक्शन यूज़ करते हैं। अगर हम प्राइमरी इंजेक्शन को देख लेंगे तो फ्रेंड्स एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका जो प्राइमरी बस बार है इसमें हमारा सीटी का प्राइमरी है। हमारा सीटी का प्राइमरी क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ आपको बताया था मैंने, हमारा विंडो टाइप सीटी में हमारा प्राइमरी है का बस बार ही है प्राइमरी है आपको, सेकेंड ये हमारा वोन टाइप सीटी है, मतलब ये हमारा विंडो टाइप सीटी में आपको प्राइमरी बस बार ही हमारा प्राइमरी है हमारा बस बार में, और सेकेंडरी में आपको जितना भी लोड से वो कनेक्ट हुआ था और इसका ओपन जो सेकेंडरी वाइंडिंग का थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको प्राइमरी में आपको क्या करते हैं, डायरेक्ट प्राइमरी में इंजेक्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा लीड है पॉजिटिव एक लीड यहाँ है और नेगेटिव लीड यहाँ कनेक्ट करेगा तो आपको एक साथ करंट ऐसे जाएगा और किट का थ्रू चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो डायरेक्ट प्राइमरी में हम लोग करंट इंजेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी इंजेक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमने डायरेक्ट इसमें हमारा लीड लगा देते हैं जिस सीटी में आपको एक साथ लगा करना है, तो आपको सिंपल आपको एक लीड यहाँ लगाना है और दूसरा लीड यहाँ लगाना है और इसका बीच में आप करंट इंजेक्शन करा के इस सीटी का सेकेंडरी सर्क्यूट या सीटी का सेकेंडरी में जितना भी लोड है या नहीं है तो सीटी का इसका रेशियो टेस्ट भी आप इसका थ्रू करा सकते हैं फ्रेंड्स आप सिंपली, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके थ्रू आप करा सकते हैं, लेकिन आपको जैसे यहाँ आपको प्राइमरी इंजेक्शन का थ्रू हम लोग ये आपका प्रोटेक्शन पीटी है, प्रोटेक्शन सीटी है फ्रेंड्स, ये आपका मीटरिंग सीटी है, ये आपका पीएस क्लास का सीटी है, आपको डिफरेंशियल या नहीं है तो इसमें जो यूज़ किया था, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको प्रोटेक्शन सीटी में क्या हुआ, हमारा तीन रिलेस लगा हुआ फ्रेंड्स, एक हमारा ओवर करंट है, ये दूसरा ओवर करंट आईडीएमटी का रिले है या नहीं है तो अर्थ फॉल्ट का रिले भी हो सकते हैं इंस्टेंटेनियस और आईडीएमटी का, और दूसरा है हमारा अनबैलेंस यार या नहीं है तो ये हमारा 49 इज ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले, अगर ये आपको मोटर फेड रहे तो ऐसे रिले यूज़ किया था। लेकिन आपको जो प्रोटेक्शन सीटी में आपको जितना भी रिलेस कनेक्ट हुआ या नहीं है तो सिंपली आपको न्यूमेरिकल रिले भी हो सकते हैं, उसको आपको चेक करने के लिए भी आपको प्राइमरी इंजेक्शन का थ्रू आपको इंजेक्ट करेगा तो सीटी भी चेक हो जाएगा, सीटी के साथ साथ सीटी का सेकेंडरी सर्क्यूट इंटीग्रिटी भी चेक हो जाएगा, इसके साथ साथ रिले भी आप चेक हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो रिले में आपको सिंपली आपको यहाँ करंट इंजेक्ट करके यहाँ आपको प्राइमरी में जितना करंट आप दिखा इंजेक्ट कर रहे हैं उतना करंट आपको रिले का डिस्प्ले में आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं आपको क्रॉस चेक करना है, उसके थ्रू आपको इस रिले का आपको मेजरमेंट भी चेक हो जाएगा, इसके साथ साथ कोई भी एक प्रोटेक्शन को आप इसको जैसे अर्थ फॉल्ट या ओवर करंट का इसका सेटिंग को कम करके या नहीं तो जो आपका इंजेक्शन के हिसाब से इसका करंट का कम करके उस उतना करंट का ऊपर जाकर इस रिले से आपको ट्रिपिंग हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं और ब्रेकर फिजिकली ट्रिप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो भी आपको चेक हो जाएगा, ये आपको प्रोटेक्शन का
सीटी में अगर आप इंजेक्ट करेगा तो, अगर आपको मीटरिंग सीटी में इंजेक्ट करेगा तो आपको मीटरिंग सीटी में जैसे आपको कनेक्ट हुआ है फ्रेंड्स, एक एम्पियर मीटर से थ्री फेज का आरवीबी का सेलेक्टर स्विच के थ्रू एम्पियर मीटर कनेक्ट हुआ है या नहीं है तो पावर मीटर, या पावर मीटर या नहीं है तो पावर का कोई आपको डिस्प्ले या नहीं है तो पावर, आपको मल्टी फंक्शन मीटर कोई कनेक्ट हुआ है या नहीं है तो किलोवाट आवर मीटर एनर्जी मीटर कनेक्ट हुआ है या नहीं है तो कोई भी ट्रांसड्यूसर करंट का या पावर का या एनर्जी का कोई भी ट्रांसड्यूसर कनेक्ट हुआ तो वो सारे के सारे इसमें इंजेक्ट करा के, करंट क्या है हमारा प्राइमरी में इंजेक्ट करा के, ये सारे के सारे मतलब सब में करंट का वैल्यू दिख रहे नहीं दिख रहे देखकर आपको पूरा सर्किट थ्रू ये नहीं है आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको मीटरिंग सर्किट है सीरीज में बना के जाते हैं फ्रेंड्स, आपको पहले एम्पियर मीटर में जाएगा, इसके बाद आपको पावर मीटर में जाएगा, इसके बाद एनर्जी मीटर में जाएगा, इसके बाद ट्रांसड्यूसर्स में जाएगा, इसके बाद कोई आपको रिमोट मीटरिंग में जाना है तो उसके साथ सीरीज में जाकर फाइनली आपको सर्क्यूट थ्रू होते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए आपको मीटरिंग सिटी में भी आपको पूरा सर्क्यूट का इंटीग्रिटी भी चेक हो जाएगा और सीटी का इसका जो रेशियो टेस्ट भी हो जाएगा, और इसमें जितना भी हमारा मीटर से वो प्रॉपरली जितना हमको यहाँ दिख रहे हैं इंजेक्ट कर रहे हैं उतना आपको दे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं आपको चेक करा के सारे के सारे कंप्लीट मतलब फुल फ्लेज्ड चेकिंग हो जाएगा फ्रेंड्स प्राइमरी इंजेक्शन में। इसके बाद है फ्रेंड्स आपको जो डिफरेंशियल रिले या डिफरेंशियल बस बार डिफरेंशियल रिले जो भी है उसको भी आपको यहाँ करंट इंजेक्शन करा के आपको चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी है फ्रेंड्स जो प्रिकॉशंस है आपको प्राइमरी इंजेक्शन के क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए फ्रेंड्स, यही आपको कुछ आपको प्राइमरी इंजेक्शन का डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको प्राइमरी इंजेक्शन कभी भी करना है तो आपको बस बार में करना है फ्रेंड्स, बस बार में डायरेक्टली आपको कनेक्शन करना है या नहीं है तो क्लैंप लगाना है तो आपको कंपलसरी है, ये आपको जिसमें आप करते हैं प्राइमरी इंजेक्शन वो आपको पॉजिटिव आइसोलेशन इंश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। जहाँ आपको पॉजिटिव आइसोलेशन नहीं है वहाँ आपको प्राइमरी इंजेक्शन कर नहीं सकते फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बस बार में आपको डायरेक्ट आपको कनेक्ट करना है, सो आपको लाइव बस बार में कभी भी आपको प्राइमरी इंजेक्शन कर नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको पॉजिटिव आइसोलेशन है आपको मैंडेटरी है फ्रेंड्स आपको प्राइमरी इंजेक्शन के लिए। और सेकंड है फ्रेंड्स कभी भी आपको प्राइमरी इंजेक्शन जिसमें आपको कर रहे हैं उस फीडर में आपको कभी भी नीचे की साइड केबल का मैगर या नीचे की साइड जिस मोटर फेड रहे तो मोटर में आपको मैगर कभी भी नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि उस मैगर्स का वजह से हमारा प्राइमरी इंजेक्शन का जो किट है वो खराब हो सकते हैं, इसीलिए दो एक्टिविटी भी कभी भी नहीं करना है फ्रेंड्स इंडस्ट्रीज में, जिसमें आपको प्राइमरी इंजेक्शन कर रहे हैं उस फीडर में इंश्योर करना है कि आपको कभी भी इसका मैगर नहीं करना चाहिए, इसमें आपको इंसुलेशन रेसिस्टेंस मैगर या नहीं तो हाई वोल्टेज टेस्टिंग इसका दूसरी साइड आपको कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ आपको सबस्टेशन साइड के आप कर रहे हैं फील्ड में फिजिकली वो मोटर में शायद कुछ और टीम आपको मैगर कर सकते हैं या नहीं है तो हाई वोल्टेज या नहीं है तो पीडी टेस्ट या नहीं है तो आपको टैन डेल्टा टेस्ट कर सकते हैं, वो सब आपको अवॉइड करना है फ्रेंड्स। जिसमें आपको प्राइमरी इंजेक्शन कर रहे हैं उसमें आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए फिर जब तक प्राइमरी इंजेक्शन नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा प्रिकॉशन है फ्रेंड्स इंडस्ट्रीज में बहुत ही मेजर ट्रिपिंग्स होते हैं इसी की वजह से, जिस फीडर में आपको प्राइमरी इंजेक्शन करना है उसको आपको सबसे पहले स्कीम को देखना है फ्रेंड्स, उस स्कीम में आपको फॉर एग्जांपल इस स्कीम में आपको बस बार डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका बस बार डिफरेंशियल प्रोटेक्शन दिया गया है तो उसमें आपको कभी भी आपको करंट अगर इसका थ्रू फॉर एग्जाम्पल क्लैंप एक यहाँ लगाया है एक यहाँ लगाया है तो क्या होगा, आपको बस बार डिफरेंशियल रिले में आपको करंट जाएगा, उसकी वजह से आपको बस बार डिफरेंशियल रिले गलती से ऑपरेट हो गया तो इसमें जितना भी फीडर से इनकमर का साथ जितना भी हमारा फीडर से 40-50 उस बोर्ड में जितना भी फीडर से वो सारे के सारे उस सेक्शन का एक थ्रो में वन शॉट में ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है सारे के सारे। इसीलिए आपको कभी भी आपको प्राइमरी इंजेक्शन करना है तो आपको सबसे पहले इंश्योर करना है, अगर आपको स्विच बोर्ड पूरा शट डाउन है तब आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको स्विच बोर्ड शट डाउन नहीं है सिर्फ कोई एक फेडर में आपको प्राइमरी इंजेक्शन करना है तो आप सबसे पहले देखना है इसके साथ साथ किसी और का ट्रिपिंग है तो उसका आपको प्रोटेक्शन को डिसेबल करना है, जैसे बस बार डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है यहाँ आपको सिंपली आप ऐसे इंश्योर कर दीजिए इस रिले में आपको बस बार डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है उसको डिसेबल कर दीजिए, या नहीं है तो ऐसा इंश्योर कर दीजिए इसमें आपको करंट ही नहीं जाना है, आपको क्लैंप सिर्फ यहाँ और यहाँ लगा दीजिए। लेकिन बहुत बार होते हैं फ्रेंड्स आपको क्लैंप लगाने के प्रोविजन नहीं होते, सीटी बहुत पास पास हो सकते हैं या नहीं है तो आपको मल्टी कोर का सीटी भी हो सकते हैं, उसमें आपको इस
सीटी में, बस बार डिफरेंशियल सीटी में करंट लेकर मतलब अवॉइड करना, इंजेक्शन नहीं करना इस पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए आपको बस बार डिफरेंशियल रिले में इसका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को बाईपास करने में ही ऑप्शन रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इसको इंश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राइमरी इंजेक्शन में, क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स, इसको आप बहुत बार देखता नहीं है, हड़बड़ी में क्या करते हैं ये करंट इंजेक्शन कर देते हैं, उसमें आपको बस बार डिफरेंशियल रिले में करंट चला जाता है और उसकी वजह से क्या होगा, आपको सारे के सारे फीडर स्ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। और तो इसी वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा प्राइमरी इंजेक्शन के जो प्रिकॉशंस है फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो प्राइमरी इंजेक्शन में जैसे आपको नॉर्मली एक पहले हमने स्कीमेटिक ड्राइंग्स में बताया फ्रेंड्स, प्राइमरी इंजेक्शन में आपको पॉजिटिव आइसोलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ब्रेकर है, इसका जो आइसोलेशन में ब्रेकर आइसोलेशन में होना चाहिए या नहीं तो ब्रेकर बाहर होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी आप इसमें ये आपको सप्लाई यहाँ कभी भी नहीं आएगा और इसमें आप क्लैंप लगा के इस सर्क्यूट को चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले बताया था ये आपको प्रोटेक्शन सिटी है, अगर आपको क्लैंप यहाँ एक लगाया तो सिंपली आपको प्रोटेक्शन सिटी में करंट जाएगा, आपको रिले में करंट देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। रिले में करंट देखकर आपको रिले का ट्रिपिंग आप इंश्योर करा सकते हैं। ये हमारा मीटरिंग सीटी है, जैसे मीटरिंग सीटी में आपको जैसे देखेगा तो ये आपको ईसीएस में या नहीं है तो यहाँ शॉर्ट किया गया था, अगर ईसीएस में कनेक्ट किया तो ईसीएस में लेकर जा सकते हैं। ये हमारा करंट का ट्रांसड्यूसर है, ये हमारा मल्टी फंक्शन मीटर है और ये हमारा सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा पावर का ट्रांसड्यूसर है, ये हमारा मल्टी फंक्शन मीटर है, ठीक है। तो आपको करंट इंजेक्शन करने के बाद आप इसको करंट ट्रांसड्यूसर में, इसमें आपको जो जहाँ आपको लेकर गया वहाँ आपको करंट दिख रहे नहीं है प्रोपोर्शनली इसके हिसाब से या नहीं है तो इसका पावर ट्रांसड्यूसर पावर भी आ रहे नहीं है वोल्टेज देकर, इसके बाद मल्टी फंक्शन मीटर में भी इसका तीनों फेज में करंट आ रहे नहीं है, इसके साथ साथ कोई भी आपको एमीटर सेलेक्टर स्विच में आपको सेलेक्टर स्विच को घुमा के आपको तीनों फेज में करंट आ रहे नहीं है, वो सबको आप देख सकते हैं फ्रेंड्स प्राइमरी इंजेक्शन का थ्रू। इसलिए आपको एक बार प्राइमरी इंजेक्शन देकर आपको रिले का और सीटी का, इसका आपको मीटरिंग सर्क्यूट को दोनों का आपको इंटीग्रिटी आप चेक कर सकते हैं और मीटर्स को भी चेक कर सकते हैं आप, ट्रांसड्यूसर को भी चेक कर सकते हैं और रिले का ट्रिपिंग भी आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको सिंपल एक आउटगोइंग फीडर में फ्रेंड्स, जैसे एक इनकमर फीडर में आप देखेंगे तो इसमें भी आपको ये आपका प्रोटेक्शन सीटी है, ये आपको डिफरेंशियल फीडर डिफरेंशियल सीटी है फ्रेंड्स, बस बार डिफरेंट ये फीडर 87T हमारा केबल का डिफरेंशियल सीटी है और ये हमारा प्रोटेक्शन सीटी है, हमारा मीटरिंग सीटी है। आपको एक इंजेक्शन में अगर आपको यहाँ यहाँ ये आप देखेंगे तो फ्रेंड्स ये क्या है, सिंगल कोर है, एक ही कोर में आपको कोर वन प्रोटेक्शन है, कोर टू मीटरिंग है, कोर थ्री आपको डिफरेंशियल है फ्रेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको बस डिफरेंशियल है, इसमें अवॉइड करना है तो इसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका सिंगल सीटी है, उस केस में आपको इस प्रोटेक्शन को डिसेबल करना ही ऑप्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो इसमें भी आपको करंट इंजेक्ट करके इसका करंट ट्रांसड्यूसर और इसका मल्टीफंक्शन मीटर में करंट देख सकते हैं और इस रिलेस का भी ऑपरेशन आप चेक करा सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद है फ्रेंड्स आपको प्राइमरी इंजेक्शन किट कैसे दिखते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप देखेगा तो ये हमारा मैगर का ओडॉन 80 है, ओडॉन 80 का हमारा प्राइमरी इंजेक्शन किट है फ्रेंड्स। जैसे ये हमारा ओडॉन 80 है, इसका मॉडल दिख रहा था, इसमें आप देखेगा तो सबसे पहले ये हमारा डिस्प्ले है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो लीड है एक्चुअली साइड में रहता है फ्रेंड्स या पीछे की साइड रहता है इसका लीड है, ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट है ये हमारा डिस्प्ले, इस डिस्प्ले में आपको करंट इंजेक्शन कितना हो रहा है और इसका वोल्टेज कितना है। प्राइमरी इंजेक्शन किट है फ्रेंड्स बहुत कम वोल्टेज है और करंट सोर्स जैसे है फ्रेंड्स, ठीक है। वोल्टेज बहुत कम रहते हैं और करंट आपका जो किट का कैपेसिटी है इसके हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आपको यहाँ आपको करंट दिख रहे हैं और वोल्टेज दिख रहे हैं और ये कितना टाइम के बाद ये ट्रिप हो गए इसके बारे में दिख रहे हैं, ये आपका डिस्प्ले है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद ये हमारा मेन इसका किट का जो इनपुट सप्लाई है वो सप्लाई का आपको ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से आपको ऑन ऑफ कर सकते हैं, कभी भी आपको किट को तुरंत एमरजेंसी में बंद करना है तो भी इसको सिर्फ एमसीबी को ट्रिप करा के आप बंद कर सकते हैं और इस एमसीबी आपको किट को प्रोटेक्शन करने के लिए भी दिया गया था, कभी भी आपको किट में आपको बहुत ज़्यादा करंट जा रहे हैं तो एमसीबी अब मतलब ओवरलोड हो रहे हैं तो कंटिन्यूसली ये आपको एमसीबी ट्रिप होकर ये किट को आपको सेफ गार्ड कर देगा फ्रेंड्स। इसके बाद ये हमारा करंट को एडजस्ट करने के लिए, करंट को आपको बढ़ाना है तो ये आपको कोर्स
एडजस्टमेंट है, इसमें आपको प्रेस दबा के आपको करंट को यहाँ बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको सॉरी फ्रेंड्स, जैसे आपको फोर्स एडजस्टमेंट है इसको बढ़ा के आपको फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर ऐसे बढ़ा सकते हैं। फाइन एडजस्टमेंट में आपको डिजिट्स में नहीं है तो पॉइंट्स में आप बढ़ा सकते हैं, जैसे 10.1, 10.2 या नहीं तो 11, 12, 13 ऐसे आपको इसको घुमा के स्पॉट का इसको आप घुमा के इसको एडजस्ट करा सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड, इसमें आपको अगर आपको डिस्प्ले कभी काम नहीं कर रहे हैं, इसका किट का आउटपुट वोल्टेज कितना जा रहा है और आउटपुट करंट कितना जा रहा है आपको देखना है, तो यहाँ आपको वोल्ट मीटर या एमीटर लगा के भी आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद है ये आपको होल्ड का बटन है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा कभी भी इसका डिस्प्ले का आपको फ्रीज करना है तो इसका होल्ड बटन दबाएगा तो इसका ऊपर जो इंडिकेशन है वो भी जलेगा, इसकी आपको ये डिस्प्ले का में जितना भी पैरामीटर्स है वो फ्रीज हो जाएगा, उसको आप नोट करा सकते हैं फ्रेंड्स। तो कभी भी आपको किट में करंट इंजेक्शन करने के टाइम पे ये भी इंश्योर करना है फ्रेंड्स, आपको ये फ्रीज या नहीं है तो होल्ड बटन तो दबाया नहीं है, ये इंडिकेशन कभी जलना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अगर जल रहा है तो या आपको करंट कभी भी आप इंक्रीज कर रहे हैं तो इसमें आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए आपको जब आपको ट्रिपिंग होता है उसमें आपको नोट करने के लिए होल्ड करना है, इसके बाद इस बटन को आपको दोबारा प्रेस करके इसको वो फ्रीज को, इस डिस्प्ले का फ्रीज को आप हटा सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स, आपको डिस्प्ले में अगर कोई भी पैरामीटर चेंज करने हैं डिस्प्ले में, फॉर एग्जांपल यहाँ आपको करंट का जगह टाइम चाहिए नहीं है तो वोल्टेज चाहिए, ऐसे आप सेटिंग को यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिर्फ प्रोपोर्शनल, जैसे आपको करंट और वोल्टेज का प्रोपोर्शनल या नहीं है तो और कोई भी सेटिंग आपको चेंज करना है तो यहाँ से आपको सेटिंग चेंज कर सकते हैं, इस मेनू बटन से आपको सेटिंग इसका चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद कभी भी आपको एक किट को ऑन करना है तब आपको इस ऑन बटन को दबाना है, और दूसरा इसका मोमेंट्री ऑन बटन है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसको जब तक दबाओगे तब तक आपको करंट जाएगा, जैसे इसको रिलीज करेंगे तो करंट बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, उस केस में जिसमें आपको मतलब आपको करंट ज़्यादा देर तक आपको मतलब इंजेक्ट नहीं करना है, तो वहाँ आपको सिर्फ इसको दबा के जैसे इसको रिलीज करेगा तो करंट जीरो हो जाता है फ्रेंड्स, इसको मोमेंट्री ऑन बटन बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ आपको ऑफ बटन है, ये इसको ऑफ बटन को दबाएगा तो अगर ऑन ऑन है इसको जब तक ऑफ बटन दबाओगे तब तक ये किट में करंट इंजेक्ट होता ही रहता है फ्रेंड्स, ये मैनुअल ऑफ बोलते हैं, लेकिन आप अगर आपको इसमें दबाएगा तो ऑटोमेटिक ऑफ दबाएगा तो आपको ऑटोमेटिक ऑफ तब होगा फ्रेंड्स, आपको टाइम लिमिट सेट हो गया है नहीं है तो इसका कॉन्टैक्ट है, इसका बाहर का हमारा कॉन्टैक्ट है, जैसे आपको ब्रेकर का ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ दे दिया है, आपको किट क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप किट में करंट दे रहे हैं और ब्रेकर का ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें दे दिया ब्रेकर ऑन करके, तो जैसे ही ब्रेकर को किट रिले का तो ट्रिप करेगा तो ब्रेकर का ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें मिल जाएगा, जैसे ही ब्रेकर ऑफ हो गए तो ये किट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, या नहीं तो इसमें जो टाइम डिले, जो इसका जो टाइम डिले आपने जो दिया था, फॉर एग्जांपल रिले में आपको 14 किलो एम्पियर में 350 मिलीसेकंड में ट्रिप करना है, वो 350 मिलीसेकंड के बाद इसको किट को ऑटोमेटिक बंद करना है तो भी आप बंद करा सकते हैं। अगर आपको इनपुट के थ्रू बंद किया तो वो किट करंट इंजेक्ट करने के बाद कितना टाइम के बाद ये इनपुट आ गया उसका टाइम डिले भी यहाँ आता है, उससे आपको ट्रिप टाइम पता चल जाता है फ्रेंड्स, इससे आपको ये रिले सही से ऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है तो इसका टाइमिंग देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूमेरिकल रिले में तो आपको टाइमिंग देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ये टाइमिंग तो वो चेंज नहीं होते है क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग है, एक बार आपको करंट का वजह से ट्रिपिंग हो रहा है तो आपको हो जाता है, लेकिन कभी भी आपको IDMT कैरेक्टरिस्टिक है इसका सही है नहीं है देखना है तो भी आपको टाइमिंग देखना बहुत ही ज़रूरी है, उसको टाइमिंग देखना है तो आपको ये बाहर का जो स्टॉप कमांड है, जो ब्रेकर का कांटेक्ट है या नहीं है तो रिले का कांटेक्ट भी हो सकता है, रिले का जो ट्रिप का DOI है उस DOI या नहीं है तो जो हमारा न्यूमेरिकल रिले है तो ट्रिप का कांटेक्ट है इसमें देना बहुत ही ज़रूरी है, इसके थ्रू आपको टाइमिंग पता चल जाता है ये कितना टाइम के बाद ट्रिप हो रहे हैं, वो टाइम को आपको एक्चुअल मैनुफैक्चर डेटा शीट के साथ या नहीं तो हमारा जो रिक्वायरमेंट के साथ चेक करके इसके थ्रू आपको रिले का चेकिंग आप करा सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स, कभी भी आपको इसमें आपको ट्रिप हो रहे हैं तो उसमें आपको ये इंडिकेशन जलेगा और ये इसका मतलब स्टॉप का हेल्दीनेस है ये आपको इंडिकेशन जलेगा, और दूसरे है हमारा कभी भी आपको इस कांटेक्ट आ गया तो ये इंडिकेशन जलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आपको ये आपको करंट है हाई करंट देना है तो इसको चेंज करने के लिए और लो करंट के लिए और पैरेलल कनेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं नहीं तो सीरीज कनेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका सेटिंग ये है फ्रेंड्स, ठीक है।
तो ये मैं एक नॉर्मल प्राइमरी इंजेक्शन किट का बताया फ्रेंड्स। ये आपको प्राइमरी इंजेक्शन किट में ये फीचर्स रहते हैं, कुछ कुछ प्राइमरी इंजेक्शन किट में सिर्फ इसका एडजस्टमेंट ही रहता है। आपको हो सकता है इसका डिस्प्ले नहीं रहेगा, आपको क्लैंप ऑन मीटर लगा के इसका इंजेक्शन देखना पड़ेगा। और ये आपका ऑपरेट है, कभी भी किट ऑन है तो अगर करंट इंजेक्शन कर रहे हैं तो ये इंडिकेशन जलता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक प्राइमरी इंजेक्शन किट है फ्रेंड्स। मोस्ट ऑफ द प्राइमरी इंजेक्शन किट्स में ऐसे फीचर्स रह सकते हैं, नहीं तो इससे कम फीचर्स रह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा